सो स्टूडेंट्स बीच में छूट गया था. सो अगेन वी विल स्टार्ट. ओ चार्ल्स मस्ट वी गो नाउ. क्या चार्ल्स हम लोग अभी जा सकते हैं, माँ ने कहा. द वेदर वॉज सो कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा था. द स्नग हाउस वॉज सो कम्फर्टेबल, और जो स्नग हाउस था, स्नग हाउस का मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि इग्लू आप कह सकते हो, जैसे वो ठंडी में भी गर्मी का मौसम बनाए रहे, अंदर का मौसम गर्म रखे. तो जो स्नग हाउस था वो बहुत ही आरामदायक था. पिताजी ने क्या कहा, इफ़ यू आर गोइंग दिस ईयर वी मस्ट गो नाउ, अगर हम लोग इसी साल जाना चाहते हैं तो हम लोग को अभी चलना पड़ेगा. वी कांट गेट अक्रॉस द मिसिसिपी आफ्टर द आइस ब्रेक. मिसिसिपी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नदी का नाम है. तो वो जो करें कि अगर आइस ब्रेक हो गई, जो ग्लेशियर्स होते हैं अगर वो टूट गए, तो हम लोग मिसिसिपी नदी को पार नहीं कर पाएंगे. सो पास सोल्ड द लिटिल हाउस, तो इसीलिए पिताजी ने उस छोटे से घर को बेच दिया. ही सोल्ड द काउ एंड द काफ, गाय और बछड़े को भी बेच दिया. ही मेड हिकरी बोज एंड फास्टेंड देम अपराइट टू द वैगन बॉक्स. हिकरी बोज का मतलब क्या होता है, हिकरी बोज का मतलब होता है छोटे छोटे डंडे बना लेना. एंड फास्टेंड देम अपराइट टू द वैगन बॉक्स, और उसको गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया. मी हेल्प्ड हिम, माँ हेल्प्ड हिम स्ट्रेच वाइट कैनवस ओवर देम, और माँ ने पिताजी की सहायता की उस डंडे को कैनवस कपड़े से ढकने के लिए. इन द थिन डार्क बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले जो अंधेरा होता है उसी अंधेरे में, माँ जेंटली शुक मैरी एंड लॉरा टिल दे गॉट अप. माँ जो है मैरी और लॉरा को तब तक जगाती रही जब तक तो वो उठ नहीं गई. इन फायर लाइट एंड कैंडल लाइट शी वॉश्ड एंड कॉम्ब्ड देम एंड ड्रेस्ड देम वार्मली. आग जला करके, मतलब रोशनी करके और मोमबत्ती जला करके उसने अपने बच्चों के चेहरे को धुला, कंघी की और बहुत अच्छे से उनको गर्म कपड़े पहनाए. शी ड्रेस्ड देम इन वूलन पेटीकोट्स एंड वूल ड्रेसेस एंड लॉन्ग वूल स्टॉकिंग्स, मतलब पूरा ऊपर से नीचे आप कह सकते हो कि वुलन पेटीकोट्स, वुलन ड्रेसेस एंड लॉन्ग वूल स्टॉकिंग्स, ये सब चीजें जो है गर्म कपड़े पूरा ऊपर से नीचे तक पहना दिया. शी पुट देयर कोट्स ऑन देम एंड देयर हुड्स ऑन देयर रेड यार्न मिटन्स. सो स्टूडेंट हम लोग आज बस यहीं तक पढ़ेंगे कि उसने जो है उसने क्या किया. कोट डाला बच्चों के ऊपर और देयर रेड यार्न मिटन्स, मिटन्स का मतलब होता है जो हम लोग हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, उसको ऊनी चीज को उसने अपने बच्चों को पहना दिया. तो स्टूडेंट आज का एक्सप्लेनेशन बस यहीं तक रहेगा, मिटन्स तक. कल हम लोग इसके आगे का एक्सप्लेन करेंगे. अब आप ध्यान से दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे और मीनिंग और चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.